जय हिंद किसान दोस्तों, जय हिंद नर्सरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ बैम्बू यानी कि बांस, और जो हम वैरायटी लगा रखी है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है बालकुआ। तो साथियों, जो बालकुआ वैरायटी है ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है, और 2016 के बाद गवर्नमेंट ने इसको जो काटने पर प्रतिबंध था वो हटा दिया है और इसको घास की कैटेगरी में दे दिया है। अब कोई भी किसान इसको कहीं भी उगाए और इसको कहीं भी बेचे, वो ओपन हो चुका है गवर्नमेंट की ओर से। तो अब हम इसकी बात करते हैं कि ये लगाने का सीज़न क्या है। साधारणतः बांस आप दिसंबर और मई को छोड़कर कभी भी लगा सकते हैं, और अब ये टिश्यू कल्चर में आने लगे। पहले सीड से ग्रो होते थे तो उसमें लंबा टाइम लगता था, और अब टिश्यू कल्चर से आते हैं, और वो पौधे इस तरह के होते हैं टिश्यू कल्चर के, जो कि हम अपनी नर्सरी से इसको 70 रुपये में सेल कर रहे हैं। तो ये कुछ लोग पोट में भी लगाते हैं, सुंदरता के लिए भी है। और बाकी हमारी जब कोई बागवानी करना चाहे किसान, तो उसके चारों तरफ इसको लगा दे तो और भी अच्छी हमारी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। बैम्बू एक मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है, जैसे हम इसको कंस्ट्रक्शन में या अगरबत्ती वगैरह बनाने में, इसको अन्य कंपनी भी खरीदती है, और इसके कपड़े बनने लग गए हैं, फर्नीचर में इसका काफ़ी अच्छा यूज हो रहा है, और कुछ जो टाटा जैसी बड़ी कंपनियां हैं आदिवासी क्षेत्रों में इनको रोज़गार मुहैया करा रही है कि जो बांस से क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, उनकी सेल में, उनको बनाने में, ट्रेनिंग देने में काफ़ी मदद करती है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो बांस आप देख पा रहे हो ये करीब 15 फीट का हो चुका है, और ये 2 साल का है। हमने इसकी पूर्व में भी कटाई कर दी थी, हमें जो चाहिए था तो हमने इसको काट दिया था कुछ इसकी। ये देखिए, ये यहाँ से ये कटे हुए, कुछ पे हमने मिट्टी डाल रखी है जो स्थान कटा हुआ था, क्योंकि इसको थोड़ा हम पानी कम देते हैं, जितना कम पानी लगेगा उतना अच्छा होगा। जब ये बड़ा हो जाता है तब इसमें सूट निकलते हैं, ये देखिए इसको सूट बोलते हैं, और इसकी सब्जी भी बनती है, ये देखिए ये इस तरह का इसमें ये सूट निकलता है। और ये आपको एक सूट दिखा रहा हूँ जो काफ़ी स्पीड से चल रहा है, ये है, और ऊपर से दिखाऊँ आपको, ये देखिए जो सिंगल है इसको हिलाना भाई, ये सूट है, ये स्पीड से चलते हैं और खुराक इनके लिए ये बना रहे हैं। ये जो पौधे हैं जिनकी ज़्यादा पत्तियां हैं ये इनको खुराक बना रहे हैं। तो कभी भी आप ध्यान रखें कि ऐसे पौधे या ऐसी हमें लकड़ी नहीं काटनी जो उसकी खुराक बना रही है, और कुछ इसमें से बड़े पौधे छोड़ने हैं, उससे ही ये सूट बनेंगे। बालकुआ वैरायटी क्यों लगाएं, इसकी एक खासियत है कि इसका जो पोरी का गैप है वो काफ़ी अच्छा है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, आप ये देख पा रहे हैं, ये हमने अभी काटा है तो इस तरह ये साफ़ हो गया है। ये कहीं भी इसके जो ज्वाइंट है ये दिखते नहीं है, बिल्कुल बारीक है और ये साफ है पूरा ही, इसमें कांटे वांटे ऐसे कुछ नहीं है, हम एक बार साफ़ कर देंगे। दूसरा, इसमें जो अंदर होल होता है वो बिल्कुल बारीक, अभी हम काट के दिखा रहे हैं, दिखाओ भाई। वैसे काफ़ी हार्ड है ये, इसको अगर किसान भाई लगाएं और इसको जो सब्जी करते हैं तो उनको बांस खरीदने की ज़रूरत काफ़ी पड़ती है, या जो बागवान अमरूद वगैरह की खेती कर रहे हैं तो उनको भी बांस, कुछ पौधे 5% के लगभग तो अपनी बाउंड्री पे लगा ही लेने चाहिए, और कोशिश ये करें जहाँ पर रास्ता है उस साइड से लगाएं तो और भी अच्छा है, फैलने के लिए उनको अच्छी जगह मिल जाती है। अब ये देखिए, आप जो मार्केट से बांस खरीदते हैं उसमें और इसमें कितना फर्क है, ये बिल्कुल बारीक सा होल है इसमें, ये बाकी इसको भरमल बांस भी बोलते हैं। तो ये लगाना काफ़ी फायदेमंद है और ये काफ़ी हैवी भी है। तो किसान साथी बांस की जो खेती करना चाहता है वो बिल्कुल अपने नज़दीक कहीं भी जो बालकुआ वैरायटी का मिल जाए, या आपकी वहाँ जो भी वैरायटी अच्छी हो, जैसे आप ये देखिए नया एक सूट निकला था, और
ये देखो कितना ऊंचा जा चुका है, और ये मात्र एक महीने के अंदर अंदर इतनी हाइट पकड़ ली है इसने। और दूसरा, ये धीरे धीरे इसके साथ में से ये और आते रहते हैं, जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप काट ले, इसको यूज में ले ले, और जो इसकी पत्तियां हैं ये पशु चारे के उपयोग में आ जाती है। तो आज ये एक बांस के बारे में जानकारी थी, अच्छी लगी हो तो बिल्कुल ज़रूर बताएँ। धन्यवाद। जय हिंद।